हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन टिप्स चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इनक्यूबेटर के बारे में। एक मैंने होममेड इनक्यूबेटर बनाया हुआ है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कितने का इनक्यूबेटर है ये, कितने अंडे इसमें लगेंगे और क्या इसका प्रोसेस है, क्या खर्चा आया, कौन सा कंट्रोलर है, ये सब वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, हमने इसमें 30-28 कंट्रोलर लगाया है और ये 4 स्विच लगाए हैं। ये है मेन लाइट का, मान के चलो, और ये फैन का, और ये वाला एक एक्सटर्नल लाइट का है, और एक कंट्रोलर है इसका ह्यूमिडिफायर का। तो दोस्तों, ये पूरा पूरा बोर्ड ऊपर ही लगाया है हमने, देख सकते हैं आप। ये ह्यूमिडिफायर, इसका पूरे नीचे का मैकेजम दिखा दें आपको, पूरा सिस्टम क्या है। ये बल्ब हमने यहाँ पे दो स्टार लगाए हैं, बीच में ह्यूमिडिफायर, एक बड़ा फैन लगाया हुआ है। दोस्तों, जब हमने पता किया हमें इनक्यूबेटर लेना था बाहर से, तो काफ़ी महंगा इनक्यूबेटर पड़ रहा था। कम से कम ये 800 अंडे का 40 से 45 हज़ार रुपये बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार 40-45 हज़ार रुपये में उसमें कुछ है नहीं लगने के लिए, इतना पैसा क्यों मांग रहे। फिर मेरे दिमाग में क्या है, एक्चुअली मैं थर्माकोल के इनक्यूबेटर मैंने बनाए हुए थे, तो मैंने देखा कि यार जब थर्माकोल में बन सकता है तो एक बड़ा इनक्यूबेटर क्यों ना बनाए। तो हमने इसको आराम से घर पर ही बनाया, पूरा असेंबल किया है, होममेड है। लोग कहते हैं कि होममेड में रिजल्ट नहीं आता है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दोस्तों, हम इसमें रिजल्ट भी ला के दिखाएंगे, कितने परसेंट रिजल्ट आता है आपके सामने। इस चैनल पर पूरा वीडियो आएगा, कल या परसों में हम अंडे लगाएंगे और आपको बताएंगे कि कितने परसेंट रिजल्ट आ रहा है। देखिए, अभी टेम्परेचर चल रहा है 37.2 और ह्यूमिडिटी है इसकी, एक सेकेंड, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, हाँ ये 65% ह्यूमिडिटी है और 36.8 टेम्परेचर आ गया, और नीचे की जो लाइटें हैं वो जल गई हैं। देखिए अब नीचे की लाइट जल गई है। दोस्तों, इसको पूरी तरह घर में तैयार किया गया है इनक्यूबेटर, और इसमें एक बार और आपको दिखा दें लाइट जलते हुए। देखिए, ये फोगर भी चालू हो गया, क्या है, ह्यूमिडिटी कम गई होगी। तो देखिए 68%, फोकस नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी फोकस चालू हो गया। देखिए कितनी बढ़िया ह्यूमिडिटी मिल रही है। एक अंदर मीटर में लगाया हुआ है, उस मीटर में आपको दिखा देते हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, 36.1 टेम्परेचर दिख रहा है, 54 ह्यूमिडिटी है। बहुत ही आराम से पूरा काम कर रहा है इनक्यूबेटर, जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उतना टेम्परेचर बन रहा है, और जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए वो ह्यूमिडिटी भी बराबर प्रॉपर बना रहा है। और आराम से इसको कल टेस्टिंग करेंगे। अब इसकी बात करेंगे, इसमें कितने अंडे बनने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें 5 ट्रे हैं। एक्चुअली में नीचे वाले ट्रे मैंने अभी हटाया हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं एक ट्रे के लिए इसमें जगह है ऑलरेडी, और आराम से एक ट्रे चली जाएगी। क्या है, वो कुछ थोड़ा सा काम उसका रह गया था, मैंने कहा उसको काम करवा लिया जा। तो ये देख सकते हैं एक ट्रे इसमें बनेगी, ऐसी 5 ट्रे हैं। एक ट्रे में लगभग 160 अंडा लगभग बनना है, तो टोटल अंडे की कैपेसिटी होती है इसमें 800 अंडे का ये इनक्यूबेटर है। दोस्तों, इसका खर्च के बारे में बात करेंगे, इसमें कितना खर्च आया, तो ये आपके मान के चलिए 10 हज़ार रुपये के आसपास में ये पूरा होममेड इनक्यूबेटर कंप्लीट हो गया। कहाँ 45 से 40 हज़ार रुपये लगने वाले थे, और मैंने ये तैयार किया खाली 10 हज़ार रुपये में, क्योंकि ये इनक्यूबेटर बनाना कोई कठिन बात नहीं है। आप भी घर पर बना सकते हैं, और अपने अंडे जो अगर मुर्गियाँ उर्गियाँ हों आपके, तो अंडे उनसे हैच करवा सकते हैं। एक्चुअली मैंने पहले आपसे बता चुका हूँ कि थर्माकोल के मैंने इनक्यूबेटर्स बनाए हैं, और उनका रिजल्ट भी इतना अच्छा रहा, किसी का 90%, किसी का 95%। मेरे पास 2 इनक्यूबेटर हैं, और किसी दोस्त को अगर इनक्यूबेटर बनवाना है या बनाना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपकी मदद कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपकी फ़ोन पे ही, मान के चलो, कॉल करेंगे आप तो मैं बता दूंगा कि क्या कैसा इसका पूरा फंक्शन है, कैसे क्या सेट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर दबा दें। और इसका मैं क्या है ना, अब आगे आने एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपको एक फ़ायदा ये होने वाला है, क्योंकि इसमें अभी हम अंडे लगाने वाले हैं। अंडे लगाने के बाद जो हैच रिजल्ट आएगा, एक्चुअली मैं बंद कर दूँ फैन, इसके बाद आपको खोल के एक बार दिखा देता हूँ पूरा इनक्यूबेटर।
आप नहीं तो बोलेंगे कि आपने खोल के नहीं दिखाया पूरा इनक्यूबेटर। देख सकते हैं पूरा टेस्टिंग पे चल रहा है, एक होल स्टार्ट एक होल स्टार्ट ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी रहता है जो, ये पूरा अभी टेस्टिंग पे चल रहा है। इसकी टेस्टिंग होगी आज रात भर और फिर कल कल इसमें अंडे लगा दिए जाएंगे। तो दोस्तों अंडे लगाने के बाद कितना रिजल्ट आता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि हमने आपसे बता दिया है कि इतना खर्चा आया और रिजल्ट भी बताएंगे आप लोग होममेड इनक्यूबेटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इनक्यूबेटर पसंद आया होगा। अगर आपको भी इनक्यूबेटर पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ यार दोस्तों यार सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार और आपसे बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।